सारण लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी को आगामी लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। बिहार की सारण लोकसभा सीट हमेशा से ही चर्चा में रही है, जिसकी वजह से साफ है कि इस लोकसभा सीट पर कभी लालू यादव चुनाव लड़ा करते थे। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन और विपक्ष के महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच सारण लोकसभा सीट पर दिग्गजों के बीच मुकाबला तय है। एनडीए गठबंधन की तरफ से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी इस सीट पर चुनाव लड़ती दिख रही है, जिसका सीधा मतलब यह निकलता है कि सारण की इस लोकसभा सीट पर भाजपा और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला तय है। क्योंकि इस लोकसभा सीट से लालू यादव कभी चुनाव लड़ा करते थे, इसलिए उनके बेटे तेज प्रताप यादव इस सीट से 2019 के चुनावी दंगल में उतरने का मन बना रहे हैं। कुछ समय पहले वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा भी गए थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं सिताब दियारा की इस भूमि से जेपी मूवमेंट की तर्ज पर एलपी मूवमेंट की शुरुआत करना चाहता हूं, जिससे यही दिखाया गया कि तेज प्रताप यादव इस सीट से आगामी लोकसभा चुनाव में दावेदारी ठोक सकते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी को टिकट मिलने की संभावनाएं तय हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हराया था। पिछले चुनाव में लालू ने इस सीट पर जमकर चुनाव प्रचार किया था। लालू द्वारा किए गए चुनाव प्रचार में सांप्रदायिकता को केंद्र में रखकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया था, लेकिन इसके बावजूद राजीव प्रताप रूडी ने राबड़ी देवी को 40,948 वोटों के अंतर से हरा दिया। सारण की इस लोकसभा सीट में प्रदेश के 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें मढ़ौड़ा, छपड़ा, गर्दा, अवनौर, परसा और सोनपुर के नाम शामिल हैं। वर्ष 2008 में 8 से पहले सारण लोकसभा क्षेत्र छपरा के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद छपरा के इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का जलवा रहा। कांग्रेस के रामशेखर प्रसाद सिंह यहां से लगातार 3 बार सांसद के तौर पर चुने गए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 1977 में पहली बार यहीं से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीते। उसके बाद 2004 और 2009 में लालू इस सीट से प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन वर्ष 1985, 89, 91 और 96 में इस सीट से जनता दल के उम्मीदवार ने बाजी मारी थी। इसी कारण वर्ष सारण की इस लोकसभा सीट पर भाजपा को हमेशा मजबूत माना जाता है। यह इलाका राजपूत बहुल्य है, जो परंपरागत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। यही कारण है कि 2014 में लालू के चुनाव प्रचार के बावजूद राबड़ी देवी को भाजपा प्रत्याशी ने हरा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सत्ता।